प्लस टू स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी में फिर दोबारा से करने जा रहे हैं कंट्रोल। और ये क्वेश्चन आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस का है, जो एनुअल पेपर में 6 मार्क्स का 100% श्योर आना है। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से ये चार्ट बनाकर सुंदर ढंग से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, हमने कभी भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नियंत्रण का काम करना है, कंट्रोल का काम करना है, तो उसकी हमारी पहली स्टेप क्या होती है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जो भी हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हमारी प्लानिंग का अहम रोल होता है। नियोजन के अंदर हम किसी भी काम को करने के स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे FW टेलर ने कहा था कि एक प्रबंधक को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक मजदूर को एक दिन में कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए। इसके लिए FW टेलर ने कहा कि जब हमारे मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके काम को नोट करो। काम को नोट करते समय वर्कर को पता नहीं होना चाहिए कि आज हमारा काम नोट किया जा रहा है। उसमें से आप ऐसे वर्कर के काम को भी नोट करो जो बहुत फास्ट करता है। उसने एक दिन में 16 यूनिट बनाई। ऐसे वर्कर के काम को भी नोट करो जो बहुत धीमी गति से काम करता है। उसने 12 यूनिट बनाई। अब आप 16 प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 2, 14, दिस इज द स्टैंडर्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया। ऐसे ही हम हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में हमारी बाइक कितने किलोमीटर चलनी चाहिए। हमें पहले ही कंपनी बताती है कि आपकी एवरेज बाइक की 50 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है। फिर हम उसकी एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने वर्कर को देखा कि एक वर्कर ने 16 यूनिट बनाई, एक ने 14 बनाई और एक ने 10 बनाई, और हमारा स्टैंडर्ड क्या है, 14 यूनिट। जिसने हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा यूनिट बनाई वो सुपर कैटेगरी का है, जिसने इक्वल बनाई वो एवरेज है, और जिसने बिलो बनाई वो लोअर स्टैंडर्ड का मजदूर है। हमने किसको कैसे कंट्रोल करना है यहाँ से हमें पता चलेगा। ऐसे ही हमारी बाइक होती है। अगर हमारे को कंपनी बाइक देते समय कहती है कि इसकी एवरेज 50 है, हम उसको लेकर जाते हैं लॉन्ग रन पर, अगर 50 किलोमीटर से ऊपर चलती है तो इसका मतलब हमारी बाइक सही है, उससे कम चलती है तो हम उसको दोबारा से ठीक करवाने के लिए ले जाते हैं कि हमारी जो है वो एवरेज उसको इंक्रीज करो। ये होता है मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो आपकी एक्चुअल में रिजल्ट आया उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ है, और यदि हमारा उसके बराबर है तो हमारी चीज ठीक है, उससे ऊपर है तो हमारी चीज बढ़िया है, उससे कम है तो हमारी चीज में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। जो भी हमारी डेफिशिएंसी है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कमी आई तो वो कमी किसके कारण आई। पावर के कारण कमी आई, हमारी गाइडेंस के कारण कमी आई, हमारे रॉ मटेरियल के कारण कमी आई, हमारे सुपरविजन के कारण कमी आई, हमारे मोटिवेशन के कारण कमी आई, हमारे कम्युनिकेशन के कारण कमी आई, कहाँ से कमी आई। उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को हमने दोबारा से रिपीट नहीं होने देना है, उस पर उसी समय हमने रोक लगानी है, उसको हम कहते हैं टेक करेक्टिव एक्शन। जिस चीज के कारण भी कमी आई है
उस कमी पर आप तुरंत एक्शन लेंगे और उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस एंड रिव्यू द स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड जो आपने पहले बना रखे थे उनमें आप चेंज लाएंगे, और चेंज लाने के बाद चेंज किया हुआ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करेंगे और फिर अपने वर्क को पहले की तरह कंटिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे दोबारा से कि हमारे स्टैंडर्ड चेंज करने से, हमारी एक्शन लेने से हमारा काम सही हो गया, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस आपकी सही है, अदरवाइज कंट्रोलिंग प्रोसेस में अभी भी कमी है। तो ये है हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आप प्लान करोगे, इसलिए प्लान और कंट्रोल का आपस में पूरा संबंध है। जब तक आप स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे तब तक आप कंट्रोल का कार्य कर ही नहीं सकते। स्टैंडर्ड बनने के बाद ही हमें पता होता है कि हमारा काम कितना होना चाहिए, एक्चुअल में कितना हुआ है, डेफिशिएंसी कितनी है, तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। दैट्स ऑल।